আমরা আরো অনেক বড় বিপদে পড়ে যাব সত্য কথা বলার জন্য আমাদের উপরে ব্যান করা হলো যে আরো তো ছড়াবে না এটারও কোনো গ্যারান্টি কিন্তু নাই তোমার মনে স্বাগতম সবাইকে বিচারেশনে আমরা চলে এলাম আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এবং নতুন ভিডিওর সঙ্গে সঙ্গে আমরা নতুনভাবে সাবধান হতে হবে আমাদেরকে আর এই জন্যে আজকের এই ভিডিওটি আর আজকের ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পানিশ সাউথ আফ্রিকা অ্যান্ড আদার আফ্রিকান নেশন ওভার বিষয়টা কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে আর আজকের ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স থেকে আর ওনাদের অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্কটা আমাদের ভিডিও নিচে দেওয়া থাকবে চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো চলুন আসলে এই ভিডিওর মধ্যে কী আছে আমরা দেখে আসি नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली ये देखा गया है कि दुनिया के कई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हैं इवन कुछ हद तक मैं कहूंगा यहां पर जो आसियान देश हैं फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया ये सब अब दंडित कर रहे हैं पनिश कर रहे हैं साउथ अफ्रीका समेत सात और अफ्रीकी देशों को और इसका रीजन क्या है रीजन है ओमिक्रॉन आपको पता होगा कि सार्स सीओवी2 अब तक बहुत बार म्यूटेट कर चुका है काफ़ी बार इसमें बदलाव आते हैं और बदलाव का हमको सबसे बड़ा डर ये लगता है कि कभी ये म्यूटेट करके एक ऐसा रूप ना धारण कर ले जो बहुत तेज़ी से फैल जाए और लोगों को ज़्यादा डैमेज करे और WHO को जब भी लगता है कि अब सार सीओवी2 ने अब म्यूटेशन करके अपने आप में कुछ बदलाव लेकर एक ऐसा रूप ले लिया है जो कंसर्न का कारण बन सकता है ये वेरिएंट फैल सकता है इससे बच के रहना होगा तो WHO उस पर्टिकुलर म्यूटेशन को डिक्लेयर कर देता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न अब तक आप अगर देखो दुनिया में ये मेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न है अल्फा बीटा गामा डेल्टा और अब मोस्ट रिसेंटली ओमिक्रॉन नाउ ओमिक्रॉन को WHO ने डेजिग्नेट किया है एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बहुत रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले तो अभी तक हमको एक्चुअली इसके बारे में पूरी जानकारी है नहीं कि वैक्सीन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा क्या ये बहुत तेज़ी से फैलता है अभी के लिए आप अगर देखो तो दुनिया भर में एक ही रिएक्शन दिख रहा है वो है पैनिक का लगातार बहुत सारे देश हैं इन्होंने साउथ अफ्रीका समेत साउथ अफ्रीका के आसपास जो कई देश हैं वहाँ से भी ऑल टुगेदर जो इंटरनेशनल ट्रैवल है ये ब्लॉक ही कर दिया है क्वारंटीन वगैरह छोड़ो मास्क वगैरह की वो तो ऑल टुगेदर ट्रैवल ही यहाँ से बैन कर दी है और साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर ये कहा है कि देखो ये हमको पनिश किया जा रहा है हमारी ऑनेस्टी के लिए और ये एग्जाम्पल जो दुनिया सेट कर रहा है ना इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर कंट्रीज एक्चुअली ये कोविड म्यूटेशन छुपा भी सकती है क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या है कि ओमिक्रॉन WHO की वेबसाइट पे देखो तो लिखा होता है कि मल्टीपल कंट्रीज में सबसे पहले ढूंढा गया था मगर प्राइमरली WHO की जो टीम है उनको सबसे पहले इस म्यूटेशन के बारे में पता लगा इन साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की सरकार ने इनकी हेल्प करी थी और WHO और साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने मिलकर ये म्यूटेशन को ढूंढा अब साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर यह कहा कि हमें ये करने के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए दुनिया को यहाँ पर यह कहना चाहिए कि हमने यहाँ पर एक नया वेरिएंट खोज लिया है अब इससे बचना कैसे है इसको लेकर आपस में बातचीत करते हैं मगर यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि जैसे ही ये नया वेरिएंट खोजा गया दुनिया ने ऑल टुगेदर सारी फ्लाइट यहाँ पर बैन कर दी है और अब देखो अजीब बात सबसे ज़्यादा ये है मैं ये कहूँगा आप यहाँ पर आप देखोगे ये वर्ल्ड मैप है ये हमारा प्यारा भारत ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका है साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में आपको बहुत सारे देश मिलेंगे ये बोस्वाना जिम्बाब्वे नामीबिया है उसके अलावा मोजम्बिक है मलावी है तो ये सारे जो देश है ना सदर्न अफ्रीका में इन पर भी अब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया अब ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सरप्राइज्ड है ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया है साउथ अफ्रीका में टोटल आज के समय आप अगर देखो टेस्टिंग से ये पता लगा है कि 110-112 के आसपास लोग हैं जिनमें ओमिक्रॉन नाम का जो ये म्यूटेशन है ये पाया गया है बाकी कंट्रीज में तो म्यूटेशन के इतने केसेस अभी तक मिले भी नहीं हैं मगर USA ऑस्ट्रेलिया और वेरियस और जो कंट्रीज हैं इन्होंने इस पूरे रीजन से ही फ्लाइट ब्लॉक कर दी है और अब साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ये कह रही है कि ये रेसिज्म का साइन है ये कुछ हद तक ऐसे ही है आप सोच कर देखो ये कुछ हद तक ऐसे ही है कि जब इनिशियली चाइना ने कहा था कि वुहान जो है इनका शहर वहाँ पर COVID-19 के जो केसेस हैं ये सामने आए हैं अब इसके रिएक्शन में आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले चाइना पर ट्रैवल बैन लगाया था हालांकि लेट था मगर अगर ट्रंप वो बैन ना लगाते हो सकता है कि USA की हालत और ज़रा ख़राब होती तो खैर ट्रंप ने यहाँ पर चाइना पर बैन लगा दिया मगर जिस टाइप का रेसिज्म आज के समय साउथ अफ्रीकन कंट्रीज फेस कर रही है वैसा ही रेसिज्म अगर चाइना पर भी लगाया होता ना तो ये कुछ हद तक ऐसे होता
के साउथ कोरिया पर भी ट्रैवल बैन, चाइना पर भी, नॉर्थ कोरिया पर भी, जापान पर भी, मंगोलिया पर भी, फिलीपींस पर भी, पूरा रीजन ही ट्रैवल बैन कर दिया। और इसलिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, अब कल को मान लो एक नया वेरियंट मिलता है साइंटिस्ट को इन पेरू, आपको लगता है कि ये जो रिएक्शन दुनिया ने दिया है, सारी कंट्री से इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉक कर दिया है, इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को बिल्कुल किली कर दिया है फिर से कई महीनों के लिए, कल को किसी और कंट्री में किसी सरकारी साइंटिस्ट को मिल गया म्यूटेशन का वेरिएंट, सरकार के ऊपर के जो मंत्री है वो कहेंगे कि चुप रहना इसके बारे में, बाद में जब बहुत से देशों में ये वेरिएंट फैल चुका होगा तब रिस्ट्रिक्शन इतने नहीं लगेंगे। तो लिटरली ये इन द फ्यूचर हो सकता है कि कंट्रीज की स्ट्रैटेजी हो साउथ अफ्रीका को देखकर। और जो ही आज के समय ये ट्रैवल बैन का इशू है इसको लेकर जो बाइडेन की भी काफ़ी आलोचना हो रही है यूएसए में ही, क्या है कि जब इनिशियली कोविड-19 फैल रहा था तब ट्रंप ने बहुत से ट्रैवल बैन लगाए थे चाइना पर, अफ्रीका के कई देशों पर, उस वक्त ट्रंप पे आरोप लगा कि ट्रंप बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं और इनको ये सब नहीं करना चाहिए। उस वक्त की यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाइडेन की ट्वीट है, दिस ट्वीट इज फ्रॉम फरवरी द 2nd 2020। इस टाइम जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे नहीं, ये अपना कैंपेन चला रहे थे, इन्होंने कहा था कि ट्रंप फर्दर डिमिनिश्ड द यूएस इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड बाय एक्सपेंडिंग ट्रैवल बैन, दिस न्यू अफ्रीकन बैन इज डिजाइंड टू मेक इट हार्डर फॉर ब्लैक एंड ब्राउन पीपल टू माइग्रेट टू यूएसए, इट्स अ डिसग्रेस, वी कैन नॉट लेट हिम सक्सीड। और अब सेम टाइप का ट्रैवल बैन इन्होंने यहाँ पर खुद लगा दिया है। तो अगेन तो आप यहाँ पर खुद को क्या कहोगे? अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछोगे कि मगर WHO क्या कह रहा है? WHO ने भी यही कहा होगा कि ट्रैवल बैन कर लो, तभी ये सब कंट्रीज कर रही है ट्रैवल बैन। और क्या इंडिया ने भी ट्रैवल बैन लगाया है? तो इसका आंसर है नहीं। हमने अभी के लिए ये कहा है कि जो भी यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है उनके जो पैसेंजर्स हैं, जो भी ट्रैवलर्स हैं, उनकी एक्स्ट्रा चेकिंग करो, एंश्योर करो कि ये वेरिएंट भारत में फैल ना जाए। और WHO ने भी एक्चुअली यही बात बोली है। WHO ने यहाँ पर दोहराया है, जो ब्लैंकेट बैन उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है आधे कॉन्टिनेंट पर, ये ठीक नहीं है। इससे होना क्या है कि ये जो गरीब देश है ऑलरेडी इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, कई बिलियन डॉलर्स का लॉस यहाँ पे और लग जाएगा, इनकी सरकारें इस पैंडेमिक को झेल नहीं पाएंगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, WHO ने आलोचना करी है ट्रैवल की ऑफ सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज, के 8 के 8 देशों पे ट्रैवल लगाना ये कौन सी साइंस है। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि इतना बड़ा ट्रैवल लगाना आधे कॉन्टिनेंट पर, क्या ये ठीक है? या फिर आपका तर्क ये भी हो सकता है कि सर देखो ये जो पेंडेमिक है इसने इतनी बर्बादी फैलाई है, इतने मार्केट क्रैश हुए हैं, दुनिया इतनी ज़रा बर्बाद हो चुकी है कई रीजन्स में कि लोग अब पैनिक कर चुके हैं, लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं चाहे एक बार को इस टाइप की वजह से कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी बर्बाद भी क्यों ना हो जाए। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर आपका ओपिनियन क्या है, क्या आप मानते हैं कि जो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, इनका जो ये ट्रैवल बैन है 8 कंट्रीज़ पे, ये ठीक है? या फिर आप मानते हैं कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए था? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर ওয়ার্ল্ড এর তো এই কাজ করাটা মোটেই ঠিক হয়নি সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে যে কাজটা হয়েছে। না, আমার কাছেও তাই মনে হয়, কারণ একজন সত্য কথা বলছে, তুমি সত্য কথার বিপরীতে যদি এভাবে রিয়েক্ট করো সেক্ষেত্রে এর পরবর্তীতে অন্য যে কোনো দেশে যে কোনো ধরনের ভেরিয়েন্ট আসুক না কেন সে সত্য কথাটা আর বলবে না, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে একটা এখন এই সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, 2-3 বছর কিন্তু আমরা অলরেডি পার করছি, তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সব দেশেরই ইকোনমি কিন্তু গ্রোথটা ওইভাবে না, লো হচ্ছে এবং অনেক জায়গার ইকোনমিটা কিন্তু ভেঙে পড়ছে। তো আফ্রিকান দেশগুলা কিন্তু আরো বেশি নাজুক অবস্থায় আছে, তাদের ইকোনমি আগে থেকে ছিল, এখন আরো অবস্থা খারাপ হয়েছে, এখন আরো অবস্থা খারাপ হচ্ছে। এখন যদি আবার নতুন করে ব্যান লাগানো হয় সেক্ষেত্রে তাদের ইকোনমি আরো ভেঙে পড়বে এবং ধসে পড়বে। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এটা না করে অন্য কোনো ওয়ে খুঁজে বের করা, বা এই যাদের এই ধরনের ধরা পড়ছে সেই সব লোককে অ্যাটলিস্ট একটা, হ্যাঁ, আগে থেকে সেপারেট করে একটা জায়গায় রেখে দেওয়া এবং তাদেরকে সেভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, এবং সমস্ত লোককে এই ধরনের একটা ব্যান করে না রাখা সব মানুষকে। হ্যাঁ, এটা একটা কন্টিনেন্টকে টোটালি ব্যান করে রেখেছে, এটা খুবই বাজে বিষয়। হ্যাঁ, একটা কন্টিনেন্টকে টোটালি বা মানে বন্ধ করে রাখতে পারো না, আর একটা ব্যবসায়িক কার্যক্রম কিন্তু বন্ধ থাকলে সেই দেশের অবস্থা অনেক খারাপ হবে। আর আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা এখন যদি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে তাহলে আমাদের জন্যও সমস্যা,
বাংলাদেশ ভারত বলবো বা আশেপাশে আমাদের যে দেশগুলো এখন একটু আস্তে করে খুলে দিচ্ছে সব কিছু এবং একটু ইকোনমি কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, আর এই মুহূর্তে যদি আবার নতুন করে ব্যান লেগে যায় সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর কোনো কিছু হবে। আর সাউথ আফ্রিকা বলেছে এবং সেই জন্য সাউথ আফ্রিকাকে ব্যান করা হয়েছে, সাথে আরও 60টা দেশকে ব্যান করা হয়েছে, কিন্তু এই যে ব্যানটা করা হয়েছে এর ফলশ্রুতিতে যে অন্য যে কোনো দেশ এর তারাও মুখ খুলবে না, তখন কিন্তু আমরা আরও অনেক বড় বিপদে পড়ে যাব। হ্যাঁ, অনেক বড় বিপদে পড়ার সম্ভাবনা তখন আরও বেশি থাকবে, কিন্তু এখন আমরা জেনে শুনে বিপদে পড়ছি বা এটার জন্য একটা সিকিউরিটি ব্যবস্থা নিতে পারবো, কিন্তু যখন কেউ জানাবে না তখন কিন্তু কোনো সিকিউরিটির ব্যবস্থা কেউ নেবে না, আর তখন আরও বড় ধরনের বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি পরিমাণে। এই জন্যই তো পত্রিকার হেডলাইন হয়েছে যে সত্য কথা বলার জন্য আমাদের উপরে ব্যান করা হলো, যেটা হচ্ছে এক ধরনের পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে তাদেরকে, সেটাই উনি বলতে চাচ্ছে ওনাদের প্রেসিডেন্ট। তো আমার কাছে মনে হয় আসলেই তাই, সে সত্য কথা বলেছে দেখে তাদের এই ধরনের, আমার কাছে মনে হয় WHO থেকে তাদেরকে হেল্প করা উচিত, এবং ওখান থেকে যে লোকগুলা বাহিরের দেশে যাচ্ছে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য বা বাহির থেকে যারা ওনাদের দেশে যাবে তাদেরকে এক ধরনের সিকিউরিটি দিয়ে বা প্রপার চেক করে যদি ওখানে নেওয়া যায় বা মিটিং করলো, ফিক্সড করলো, একটু দূরত্ব বজায় রেখে মিটিং করলো, তোমার যে কোনো জিনিস, হ্যাঁ, তো যদি আবার একটু মেনটেনের মধ্যে যায় তাহলে হয়তো বা এটার প্রভাব অতভাবে পড়বে না, কিন্তু যেভাবে ওনারা বলছেন যে ব্যান করে দিচ্ছেন পুরোটা পুরো একটা রিজনকে, তো এই রিজনটাকে পুরো ব্যান করে দিলে আসলেই অনেক বড় সমস্যা, এবং এখান থেকে যে আদতেও ছড়াবে না এটারও কোনো গ্যারান্টি কিন্তু নাই। তোমার মনে হচ্ছে যে ধরো পাশাপাশি একই কন্টিনেন্টের লোক কিন্তু সে ওই দেশ থেকে হয়তো অন্য দেশে যাচ্ছে, সেখান থেকে সে মুভ করছে ধরো অস্ট্রেলিয়ায়, সেখান থেকে সে কিন্তু আবার ইউরোপে যাচ্ছে, সরাসরি হয়তো সে আফ্রিকা থেকে যেতে পারছে না, কিন্তু যখন সে ভায়া হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আরো কয়েকটা দেশকে কিন্তু সে একেবারে জড়ায় নিয়ে যাচ্ছে, তো এটা আসলে আরো ভয়ঙ্কর আমার কাছে মনে হয়। হ্যাঁ, আর যেটা হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন বলেছিল তখন কিন্তু জো বাইডেন এটাকে বলেছিল যে এটা ঠিক হচ্ছে না, এখন সেই কাজটা কিন্তু জো বাইডেন নিজেই করলো। তো এই জিনিসটা একটু লেগেছে, কারণ আসলে অনেকে অনেক কথাই বলে, ওই মুহূর্তে উনি প্রেসিডেন্ট থাকলে হয়তো উনিও সেম কাজটাই করতেন যে যেখানে ট্রাম্প উনি যে কাজটা করেছিলেন, তো সেম কাজটাই কিন্তু উনি এখন করছেন, কারণ উনি এখন প্রেসিডেন্ট, ওনার নিজের দেশের কথা চিন্তা করছেন, কিন্তু তখন তিনি ছিলেন অপোজিট পার্টি, যার কারণে কিন্তু উনি এটাকে একটা নিন্দার চোখে দেখেছে, কিন্তু উনি তখন জনগণের কথা চিন্তা করেনি, এখন কিন্তু উনাকে বাধ্য হয়ে ওনার দেশের জনগণের কথা চিন্তা করতে হচ্ছে, তারপর হচ্ছে নিজের পার্টির কথা। হ্যাঁ, আর আজকের এই ভিডিওটা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে সদা সত্য কথা বললে আসলে সবসময় যে ভালো হয় তা না, তার পরিণাম অনেক সময় কঠিন হয়, যেটা হচ্ছে গিয়ে সাউথ আফ্রিকার ক্ষেত্রে হয়েছে, বাট আমরা চাই সত্য কথা বললে অবশ্যই তার সঙ্গে সৎ বিচার হওয়া উচিত। তো আজকের এই ভিডিওটির উপর যদি আমাদের যে রিয়েকশনটি এটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।